बच्चों सुबह का नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी में व्यंजन के बारे में पढ़ाऊंगी। तो बोर्ड की तरफ देखो, मैंने क्या लिखा है। बोलो क। क। क से कबूतर। क से कबूतर। ख। ख। अब बोलो ख से खरगोश। ख से खरगोश। अब बोलो ग। ग। ग से गमला। ग से गमला। बोलो घ। घ। बोलो ग से घड़ी। घ से घड़ी। बोलो अड़। अड़ से कोई शब्द नहीं बनता है, इसे अनुस्वर कहते हैं। यह शब्द पर बिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे मंगल, चंचल आदि। बोलो च। च। बोलो च से चम्मच। च से चम्मच। अब बोलो छ। छ। छ से छतरी। छ से छतरी। बच्चों समझ में आ रहा है? जी मैडम। आगे अब बोलो ज। ज। अब बोलो ज से जहाज। ज से जहाज। बोलो झ। झ। झ से झंडा। झ से झंडा। यह से कोई शब्द नहीं बनता है, इसे आधा अनुस्वर कहते हैं। यह शब्द पर चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, जैसे चांद। अब आगे बच्चों बोलो ट। ट। बोलो ट से टमाटर। ट से टमाटर। अब बोलो ठ। ठ। बोलो ठ से ठटेरा। ठ से ठटेरा। बच्चों पढ़ना अच्छा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है। अब आगे बोलो ड। ड। बोलो ड से डमरू। ड से डमरू। बोलो ढ। ढ। बोलो ढ से ढक्कन। ढ से ढक्कन। अणा। बोलो अणा। अणा। बच्चों अणा से कोई शब्द नहीं बनता है, लेकिन शब्द के पीछे और या बीच में लगाकर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे गुण, क्षण आदि। आप सभी को समझ में आ गया? जी मैडम। हाँ ठीक है बच्चों, अब आगे के व्यंजन के बारे में हम पार्ट टू में पढ़ाई करेंगे। प्रिय अभिभावक, अगर आपको अपने बच्चों के लिए हिसाब से यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।